गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। इसको हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। वांडा का मेरे पास चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम से जो है वो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट जो क्लोज हुई है 32 के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। ऐसे इसको मैं कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। ऐसे ठीक है। अब ये क्या है, वीकली इनगल्फिंग बाय, और यहां पर भी वीकली पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय थी। सही हो गया। पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय के बारे में अगर आपको नहीं पता, लेजेंडरी ट्रेडर सीरीज के वेबिनार देखे, आपको उससे पता लग जाएगा। अब ये उसका जो है वो ओवरलैप एरिया है। ओवरलैप एरिया किस तरह से काम करता है इसका भी ऑलरेडी आपको पता है, और इसकी के ऊपर जो है मेरी वीडियोस भी टिकटॉक के ऊपर अवेलेबल है। अब यहां से एरिया जस्ट मैं मार्क करने लगा हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सही है, ये इसका जो है वो ओवरलैप एरिया है। ओवरलैप एरिया से आप देखें कि वीकली की जो कैंडल है उसने किस तरह से रिजेक्शन लिया है और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है, और ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय का ओवरलैप एरिया है। तो ये किस तरह जो है वो काम करती है ये चीज, और इसके बारे में कितनी बार मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब हम इसको जो है वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले इसको लेके जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको लेके आते हैं, तो मार्केट जो क्लोज हुई है गोल्ड की ओवरलैप एरिया के अंदर आपको उसने डेली की इनगल्फिंग बाय दी है। सही है, अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये जस्ट वीक है, और कितनी स्ट्रॉन्ग जो है वो उसने रिजेक्शन दी है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओवरलैप से। डेली के अंदर देखेंगे तो डेली की इनगल्फिंग बाय भी है। सही हो गया। अब इसको हम लेके जाएंगे, मजीद फिल्टर करते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो एरिया आ रहा है, आपको पता है H4 का एरिया इससे पहले भी मैंने सेम इसी तरीके से दिया था, और मार्केट ने वहां पर शायद 1 घंटे के अंदर जब लास्ट टाइम मार्केट ऊपर से आ रही थी तो यही एरिया ऊपर भी बना था। मेरे पिछले एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं, तो वहां पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स की जो है वो रिस्पेक्ट दी थी। सेम वही चीज यहां पर पड़ी हुई है, यानी कि ये डेली का जो एरिया है इनगल्फिंग बाय का ओवरलैप के अंदर आ रहा है, इसके अंदर H4 की इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, और उससे पीछे ये जो है वो इनगल्फिंग सेल ब्रेक पड़ी हुई है। हम सिंपल क्या करेंगे यहां पर, अगर इन दोनों को मैं इस तरह से मार्क भी कर देता हूं, ठीक है, तो जो इनगल्फिंग सेल ब्रेक है ये 100% इनगल्फिंग बाय के अंदर आ रही है। सही हो गया, क्योंकि नीचे से ऐसी कोई कैंडल नहीं पड़ी हुई जिसको जो है वो मार्क कर सके, इस वजह से ये मैंने सिंपल जो है वो इनगल्फिंग सेल ब्रेक मार्क कर ली है, जो इसके ओवरलैप के एरिया के अंदर आ रही है। अब यहां पर इसका अगर हम जोन लगाते हैं तो ये जोन पहला हमारे पास जो है वो बाय का जोन पड़े जो है बनेगा, और ये जोन ऑलमोस्ट बड़ा बन रहा है, 50 पिप्स के करीब जो है ये जोन बन रहा है। इसको हमने स्मॉल किस तरह करना है, कोई इसके अंदर जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सिंपल जिस तरह से मैंने बताया, कोई भी अगर अच्छा जोन मिलता है और वो बड़ा होता है उसको आप नीचे से 30 पिप्स जो है वो उसके ले सकते हैं, और वहां पर आप उसके अंदर जो है बैठ सकते हैं। जिस तरह के यहां पर इसको मैं ले जाऊंगा ऑलमोस्ट 22.50 के ऊपर आपने जो है वो इसको ले जाना है सिंपल। इसको बस इस तरह से जो भी इसकी आपने सेटिंग करनी है, ये एरिया इसका जो है वो एग्जैक्ट प्राइस आपके साथ में लगा देता हूँ, ये एरिया सही है। तो ऑलमोस्ट हमने 30 पिप का जो है वो जोन मार्क कर लिया है डाउन साइड से नीचे से। तो मार्केट इंशाल्लाह जब आएगी तो ये एरिया इसके लिए पहला बाय के एरिया का जो है वो काम करेगा, और मार्केट यहां से आपको अच्छी रिस्पेक्ट जो है वो दे सकती है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है वो भी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अब एक तो जो बाय वो ये हो गया, और इसको जो डेली की इनगल्फिंग बाय थी इसको मैं यहां से वो कर देता हूं। अब पहला बाय ये आ गया, दूसरा बाय इसी के अंदर हम देखेंगे ये एरिया जो हमारे पास वीकली का आ रहा है ये कितना है, 160 पिप का ये एरिया है, ठीक हो गया। तो 160 पिप के एरिया के अंदर पहला तो हमें यहां पर बाय मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके अलावा हम बाय देखते हैं इसके अंदर, अगर हमें कोई पीछे, ये मैंने लाइन जस्ट लगाई है ताकि मैं पीछे जाके देख सकूं कि यहां पर अगर कोई पोटेंशियल इंगल्फिंग इसके नीचे नीचे जो है पड़ी हुई है तो उसको जो है वो हम मार्क करेंगे। ये पड़ी तो ही है लेकिन ये उसी के अंदर आ रही है ऑलमोस्ट वही जोन के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं वो ऊपर वाला जोन यहां पर एंड हो रहा है 19 के ऊपर, और ये उधर ही पड़ा है, इस वजह से इसके नीचे जो है वो देखेंगे
उसके लिए मैं इसको लेके जाता हूं H1 के अंदर। अब पीछे जो है वो इसको लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो हम इसको ले आते हैं। इसको सिंपल मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये एरिया मुझे यहां पर मिल गया है, यानी कि इसको मैं इस वजह से अगेन सेकंड लेवल से ढूंढूंगा क्योंकि ये वीकली का ओवरलैप और उसके अंदर रिजेक्शन मिली है, प्लस डेली की इंगल्फिंग बाय बनी है। अब ये पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय बनी है, देख रहे हैं आप, ये पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय बनी है और यहां से जो है वो हम इसके अंदर बाय देखेंगे। अब ये एरिया कितने पिप्स का बन रहा है इसको अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कोई, हाँ वही 34 से 35 पिप का जो है वो एरिया बन रहा है। इसको अगर हमने शॉर्ट करना है तो हम इसको सिंपल जो है शॉर्ट कर लेंगे। इसके लिए बेस्ट तरीका वही है अगेन कि इसको यहां से आप थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लें, सही है, और मार्केट ऊपर से भी रिस्पेक्ट दे के जा सकती है इसको। इस तरह से 30 पिप के अंदर जो है वो अगर आप ले आएंगे तो देन भी ये एरिया ओवरऑल जो है वो अच्छा काम करेगा। लेकिन एक चीज इसके अंदर मैं बता दूं, सेम एरिया से पहले भी जो है वो हम बाय की ट्रेड ले चुके हुए हैं, उसके लिए मैंने यहां से जो है वो ऑलमोस्ट इसकी जो है वो बाय दी थी। अब ये एरिया वन टाइम जो है वो टेस्टेड है, लेकिन इसको चूंकि रिजेक्शन जो है वो अच्छी मिली है, इस वजह से ये अगेन भी काम जो है वो अच्छा करेगा। या इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे से हम ऊपर ले आते हैं एग्जैक्ट ओवरलैप एरिया के अंदर, और ऊपर से इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के यहां पर ले आते हैं इसकी विक तक, सही हो गया। अब ये एरिया इस तरह से, यानी कि नीचे से मैंने क्या किया, ये जो ओवरलैप की लाइन है इसके अंदर जो है मैं इस एरिया को ले आया हूं। सेकंड एरिया जो है वो ये होगा बाय के लिए हमारे पास, ठीक हो गया। ये दो दो एरिया बाय के लिए हमने निकाल लिए। अब ये दोनों एरिया जो है वो किस तरह निकाले हैं, वीकली के ओवरलैप में से निकाले हैं। अब जो तीसरा एरिया निकालना है उसके लिए मैं इसको लेके जाऊंगा एग्जैक्ट जो है वो डेली के अंदर। जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाऊंगा तो यहां पर आप देखें, ये तो वीकली की कैंडल है, इस वजह से इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और इसको भी यहां से मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसके ओवरलैप से मैक्सिमम जो एरियाज निकल सकते थे वो हमने ले लिए हैं। अब इसके अलावा पीछे जो इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई है वो ये भी पड़ी हुई है, सही है। अब ये इंगल्फिंग बाय ऑलरेडी जो है वो 3 टाइम टेस्टेड है, ठीक है। एक बार यहां से टेस्ट हुई, यहां से टेस्ट हुई, और जब अब करंट मार्केट आई थी तो यहां से अगेन मार्केट ने आगे से इसको टेस्ट किया है। लेकिन अब इसके अंदर कितनी चीजें बन रही हैं, डेली की पोटेंशियल इंगल्फिंग भी बन रही है। कौन सी पोटेंशियल इंगल्फिंग बन रही है, ये वाली, ये आप देखें, ये इंगल्फिंग बाय है, सही है। और उसी के एरिया के अंदर अगर इधर से मैं इसको मार करूंगा तो ये कैंडल भी टच कर रही है इस कैंडल को, तो यहां पर ये पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय भी है, प्लस पोटेंशियल वीकली इंगल्फिंग भी है जिसके ओवरलैप के एरिया से हमने दो जो है वो निकाले, एक यहां से जो है बाय लिया, यहां से लिया। अब मैंने डेली को जो है मार्क कर लिया और ये एरिया डेली के अंदर भी आ रहा है। अब इससे नीचे नीचे अगर कोई जोन होगा तो उसको जो है मार्क करेंगे क्योंकि ये एरिया भी काफी बड़ा एरिया है, 120 पिप का एरिया है। अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं थर्ड बाय भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पर आप देखें ऑलमोस्ट वही 115-120 पिप का एरिया है। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक बार जो है वो इसको हम यहां पर इसको टेस्ट जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है और यहां से हमने जो है वो इसी के अंदर से हमने H1 की जो है वो पोटेंशियल इंगल्फिंग के अंदर से ये एरिया लिया। अब नीचे ये एरिया जो है बचता है। अब इसको ये पोटेंशियल इंगल्फिंग के पीछे एक डेली की कंप्लीट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग पड़ी हुई है, सही है। इसको सिंपल, इसका जो एक तरीका है बाय का वो ये है कि यहां से हम इसको जो है मार्क कर लेंगे। ये किस तरह से मैंने इसको मार्क किया है या किस तरह से इसको जो है मैं ले रहा हूं, इसको सिंपल मैं इस तरह से बताता हूं कि आपको याद होगा कि जो 2 वीक पहले मैंने एनालिसिस की वीडियो आपके साथ शेयर की थी डेली की, उसके अंदर पोटेंशियल इंगल्फिंग की डेली की विक मैंने मार्क करके दी थी डाउन साइड से, ठीक हो गया, 1 से लेकर 3 तक। वहां से भी मार्केट ने हमें जो है वो इजीली टीपी दिया था, ठीक है। तो सेम वही चीज यहां पर जो है वो मैंने अगेन मार्क की है। ये हमारे पास जो एरियाज है, इसको मैं नीचे ले आता हूं यहां पे, ये हमारे पास जो है वो बाय के एरियाज है तीनों। और इसके अंदर यहां पर एक चीज मैं आपको मजीद जो है बताना चाहता हूं, इस सेल के एरियाज की तरफ जाने से पहले, ठीक है। सेल, अब जो डेली की इंगल्फिंग सेल है वो यहां पर पड़ी हुई है और इसी तरह से डेली की इंगल्फिंग सेल बहुत ऊपर पड़ी हुई है और इंगल्फिंग बाय ब्रेक भी जो है वो ऊपर पड़ी हुई है काफी,
और एक इंगल्फिंग बाय ब्रेक यहाँ पर पड़ी हुई है 85 के करीब, तो ये सारी बहुत ऊपर पड़ी हैं। अब हमने नीचे से सेल का एरिया निकालना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इसको लेके जाता हूँ एक बार 30 मिनट के अंदर, सही है। और यहाँ से आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया को टच करके ऊपर गई है, ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया को टच करके ऊपर गई है, तो यहां से ये एरिया ऑलमोस्ट 20 से लेकर 18 का जो एरिया था, ये मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि यहां पर जो है वो बाय की लिक्विडिटी है इस एरिया के अंदर, और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन जो है वो चेक कर लें। और ये मैंने जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर ये शेयर किया था, प्राइवेट ग्रुप भी मेरा फ्री है, सिंपल आप जो आईबी लिंक मैंने दिया है उसके साथ अगर अकाउंट ओपन करते हैं, किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं है, आपको मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा, मुझे मैसेज करेंगे तो। अदरवाइज ओपन ग्रुप के लिए तो अभी मैं आपके साथ ये एनालिसिस शेयर कर ही रहा हूँ। यहां से ये सेकंड टाइम मार्केट आई, टच किया, ऊपर गई, यहां से गई, 4 बार मार्केट ने इस एरिया को जो है वो जबरदस्त किस्म की रिस्पेक्ट दी, और ये मैंने बिल्कुल क्लियर बताया था कि यहां पर बाय की लिक्विडिटी जो है मैं देख रहा हूं। और सेकंड हमने जो बाय दिया था उस ग्रुप के अंदर, वो यहां से बाय दिया था, ठीक है, ये एरिया बाय के लिए था, ये एरिया मार्केट आई है बाय के लिए इस एरिया के अंदर, जस्ट इसको मार्केट ने टच किया, एग्जैक्ट बाय का एरिया था, मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल गई। और फिर ये लास्ट डे जब मार्केट गई है फ्राइडे को, तब मैंने ये एरिया बाय के लिए शेयर किया था। अब चूंकि इसके अंदर रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिली है और प्लस वीकली का भी एरिया आ रहा है, तो इस वजह से ये अगेन मार्केट यहां से हमें जो है वो बाय दे सकती है, तो ये एरिया भी मैंने बाय के लिए जो है वो शेयर किया था। और इसके बाद जो मैंने सेल के लिए एरिया शेयर किया था वो यहां से था, ठीक हो गया, ये एरिया 27 से लेकर 27 से लेकर, इसका मैंने आपके साथ भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर कि ये मैंने बाय के लिए शेयर किया था, और मार्केट इसको जैसे ही मार्केट ने आके टच किया फ्राइडे को, सही है, स्टॉप लॉस इससे ऊपर पड़ा हुआ था, और 10 पिप पहले मार्केट जो है गिरी है और यहां तक मार्केट डाउनसाइड पे आई है, ठीक है। तो ये जितने भी एरियाज होते हैं और प्लस कंफर्मेशन के साथ भी मैं कुछ ट्रेड्स जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ उस ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, अब हम सेल देखेंगे, उसका सिंपल तरीका क्या होगा कि यहां तक जो है वो मार्केट आ चुकी हुई है, इसके ऊपर आपको समझाने के लिए जस्ट मैं लाइन लगा रहा हूं कि ये हम लाइन लगा देते हैं, इससे ऊपर ऊपर हमने देखना है कि कोई एरिया फ्रेश पड़ा हो। सबसे पहले आपके पास एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि डेली के अंदर कोई एरिया नहीं पड़ा था, तो इसको जो है वो H1 के अंदर देख लेते हैं, ठीक है, H1 के अंदर देखेंगे तो ये एरियाज पड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे एरियाज जो है वो टेस्टेड पड़े हुए हैं, सही है, बाकी फिर ऊपर वही वाला एरिया है जाके जहां पर इंगल्फिंग बाय ब्रेक थी। तो इसका क्या तरीका होगा, इसको सिंपल हम स्कैल्पिंग के लिए इनको यूज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट हम रेड कैंडल में से जो है वो एरियाज को ले रहे हैं, इसके अंदर ना डेली की इंगल्फिंग बाय है, ना कोई सेल है सॉरी, और ना इंगल्फिंग बाय ब्रेक है डेली की, ना H4 का कोई फ्रेश एरिया, तो हम 30 मिनट के अंदर डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जहां तक मार्केट, यानी कि यहां यहां से मार्केट जो है वो ऑलरेडी इतना एरिया मार्केट ने टेस्ट कर दिया है, तो इससे ऊपर ऊपर अब हम जो है वो सेल देखेंगे, उसका क्या तरीका होगा, सिंपल यहां पर जो है वो आपने गौर से देखना है, क्योंकि अब जो एग्जैक्ट इंगल्फिंग के साथ सेल का एरिया पड़ा हुआ है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वो तो ऊपर पड़ा हुआ है, ये एक 30 मिनट की इंगल्फिंग सेल है जो कि कंप्लीटली टेस्टेड है, ये एक जो है वो इंगल्फिंग सेल है जिसको इसने जो है वो टेस्ट किया हुआ है, 30 मिनट की हो और फिर टेस्टेड हो, तो ये जो है वो थोड़ी सी मतलब के एक तरह की रिस्की जो है वो हो जाती है, इस वजह से हम उसको बिल्कुल भी जो है वो मार्क नहीं करेंगे। तो ये एक 30 मिनट की है लेकिन ये फ्रेश है, इसको मैं यहां पे आपके साथ एरिया शेयर कर देता हूं, इसको हम स्कैल्पिंग के लिए जस्ट यूज करेंगे, ठीक हो गया, ये एरिया स्कैल्पिंग के लिए हमें अच्छी ट्रेड जो है वो दे सकता है। अच्छा जी, इसको अब यहां से हम मार्क कर देते हैं, पहला सेल का एरिया ये होगा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब इससे ऊपर सेकंड एरिया देखेंगे, तो यहां पर आप देखें 30 मिनट की ये कैंडल है लेकिन ये टेस्टेड है, ये कैंडल है टेस्टेड है, ये भी सारी टेस्टेड है, यहां पर एक जो है वो फ्रेश कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है, सिंपल इसको जो है वो यहां पर मार्क करेंगे ऐसे, और यहां पे इसको जो है मैं ले लेता हूं सेकंड जो सेल है वो ये है, सही है, ये दो सेल है अभी हमारे पास, और नीचे से जो बाय मैंने शेयर किए हैं वो आपके साथ, ये तीन बाय के एरिया जो है वो शेयर किए हैं, मजीद इसको प्रॉपर टीपीएसएल के साथ मैं प्राइवेट ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा,
और ओपन ग्रुप के अंदर भी मैं अदर करेंसीज के अंदर बेंचमार्क जो है वो सिग्नल शेयर करता हूँ, और वो भी मैं आपके साथ जो है वो कर दूंगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।